तो बहुत सारे लोग ऐसे टेस्ट जैसे कि सर चलाते हैं, पिटस टेस्ट सीरीज बहुत ही फेमस है, तो उसका क्या करते हैं लोग, एनालाइज नहीं करते हैं। दे दिया टेस्ट, मिस्टेक सही, स्कोर्स आया, अगर कम आया तो भाई डिप्रेस हो गए कि यार कैसे होगा, स्कोर कम आ रहा है, और स्कोर ज़्यादा आ गया तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए कि यार अब तो पढ़ेंगे ही नहीं हम। तो ऐसे ही है कि हर टेस्ट के बाद एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तब भी तुम एनालाइज करो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से बन गया तो मैं इसको और कैसे सुधार सकता हूँ, कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ, ये चीज़ें लाओ। और अगर कम स्कोर आ रहा है तो फिर देखो कि स्कोर कैसे बिगड़ रहा है, नेगेटिव की वजह से मोस्टली टाइम स्कोर डाउन जाता है, तो देखो कि नेगेटिव क्यों हो रहे हैं वो तुम्हारे क्वेश्चंस, कहाँ पर गलती हो रही है, और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनमें कॉन्सेप्ट्स की क्या कमी है, तो उनको जितना ज़्यादा सुधार सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही तुम करो अगर ऐसा हो देखो, रहा है हर्ष तो। ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि टेस्ट सीरीज पे बहुत ध्यान देना है। यानी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही, पर जब आप कोई टेस्ट पेपर देते हैं तो उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करना, प्रॉपर रजिस्टर बनाना, अपनी कमियों को दूर करना, ये देखना कि किस टेस्ट में स्कोर कम है या कौन से क्वेश्चन में कम टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम लगा है, क्या अटेम्प्ट हुआ है, क्या अटेम्प्ट हुआ है,